हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज मैं आप सबसे बहुत ही कम तेल में बनने वाले मिक्सचर चिवड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दीपावली स्पेशल है। आप दीपावली में मिठाई तो नहीं खाते होंगे, ये चटपटा भी खाने का मन करता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है नड्डा, इसको मेरे साइड नड्डा बोला जाता है। इसको मैं एक कटोरी लूँगी, ये 10 का पैकेट है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। शायद आपके साइड मिलता है, नहीं मिलता, मेरे साइड इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। फिर ले रही हूँ ये मक्का चिप्स, इसको भी एक कटोरी ले रही हूँ। फिर ये ले रही हूँ मैं मूँगफली, मूँगफली मेरा खुला नहीं है तो आज ही खोल रही हूँ, लाई थी मार्केट से। फिर इसको एक कटोरी ले लेना है। आप चाहे तो इसकी जगह भुना मूँगफली भी ले सकते हैं, मैं कच्चा ही ले रही हूँ। फिर इधर देखिए मैं पोहा का पैकेट भी ले ली हूँ, ये नॉर्मल पोहा है, पतली वाली पोहा नहीं। अगर आपके पास पतली वाली हो तो उसको ले सकते हैं, मैं मोटी वाली ले रही हूँ, जिसको हम पोहा बनाते हैं ना नाश्ता वास्ता के लिए, वही वाला है। सभी को निकाल ली हूँ मैं, और ये देखिए मक्का चिप्स, एक कटोरी मूँगफली, और डबल ली हूँ मैं पोहा। गैस ऑन कर ले रही हूँ और इधर रख दे रही हूँ कढ़ाई, मोटी वाली कढ़ाई ली हूँ मैं। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसमें ढेर सारा नमक डाल देंगे, एक कटोरी आसपास नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे, 2 से 3 मिनट चला देंगे। उसके बाद इधर देखिए मैं आधा ले रही हूँ ये नारियल का टुकड़ा, सूखा नारियल है, 2 से 3 हरे मिर्च, नारियल को आधा ही कटूँगी मैं। ये नारियल जो सूखा नारियल मेरे पास था तो मैं ले रही हूँ, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट भी हो ना तो आप ले सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, ये सब ले सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिंपल ही बना रही हूँ, सस्ते में बना रही हूँ ना, तो सिंपल ही तरीके से आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इजीली घर पर बना सके। मिर्च को भी कट कर ली हूँ मैं। सभी को कट करने के बाद देखिए इधर नमक भी अच्छे से गर्म हो गया है, नमक गर्म हो गया तो थोड़े से चला देंगे ताकि सभी तरफ टेम्परेचर अच्छे से हो जाए। फिर देखिए इधर साथ में नट्टा को डाल दे रही हूँ, नट्टा पूरा एक ही साथ डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेना है। 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से भून जाता है, बहुत अच्छे से डबल साइज़ में हो जाएगा ना, तब तक इसको चलाते रहना है, फ्लेम को लो कर देना है, उसके बाद इसको निकाल देना है। देखिए इस तरह से झारा से निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा नमक है ना वो निकल जाएगा, झारा में नमक नहीं बचता है। इस तरह से करके सभी को निकालना है, तीन बार में मैं अच्छे से निकाल ली हूँ। फिर उसी नमक को थोड़े से गर्म होने देना है, फिर डाल देना है ये मक्का चिप्स को। पोहा को लास्ट में करना है क्योंकि पोहा जो छोटी छोटी दाना है ना, इसीलिए ये 2 से 3 मिनट में मक्का चिप्स भी हो गया, इसको भी निकाल दी हूँ मैं। आप चाहे तो इसको क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैं थोड़ा ही ली हूँ। फिर साथ में डाल दे रही हूँ मैं इधर देखिए मूँगफली, मूँगफली 4 से 5 मिनट का समय ले सकता है, इसको भी इस तरह से अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसमें दरार ना पड़ जाए ना तब तक भूनना है, हाई फ्लेम पे भूनना है तभी ये अच्छे से भूनेगा। फिर इसको फ्लेम को लो करके सभी मूँगफली को निकाल लेना है। देखिए मैं आपसे पास से दिखाती हूँ, मूँगफली में अच्छे से दरार पड़ गई है, अच्छे से भून गई है। फिर उसे पराठ में निकाल दी हूँ मूँगफली को। अब 3 बैच में मैं फ्राई करूँगी ये पोहा को। आप इसको थोड़ा थोड़ा ही फ्राई बोल रही हूँ, इसको भूनना है, थोड़ा थोड़ा ही भूनिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं भून पाएगी। 3 बैच में इसको भूनूंगी मैं इस तरह से। ये देखिए झारा से नहीं निकल पाएगी, पोहा छोटी है तो मैं इसको जो छन्नी आती है ना उसमें से करके निकाल रही हूँ। 3 बैच में इसको इस तरह से करके निकाल दे रही हूँ। सभी को अच्छे से भून ली हूँ मैं। अच्छे से भूनने के बाद देखिए इसको सभी को डाल दे रही हूँ परात में, और नमक को निकाल दे रही हूँ एक बर्तन में, और कढ़ाई को वापस रख दे रही हूँ गैस में, और इसमें इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। और इधर देखिए पोहा को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, पोहा जितना भी हम भूने हैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना क्रंची बना है, इस तरह से अच्छे से भून गया है। फिर उसी की कढ़ाई पर डाल देंगे तेल, 2 चम्मच लगभग डालेंगे, और कटी हुई ये नारियल को डाल देंगे, और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए इस तरह से चला देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को डाल के इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट में अच्छे से भून जाएगा, जो नारियल का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना तब तक भून लेना। फिर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर डाल देना है ये जो जितना भी हम इसको भूने थे ना सभी को डालना है, और फ्लेम को लो कर देना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए, तेल एक जगह ना सोख पाए, तो सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब तक मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी डाल रही हूँ नमक, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और चला देंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हम लोग बंद कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से ताकि अच्छी तरफ सभी तरफ कोटिंग हो जाए मसाला, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है तभी अच्छे से फ्लेवर सभी तरफ आएगा। अच्छे से मिक्स हो गया, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, टेम्पटिंग अब कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये मसाला इकट्ठा हो जाता है एक एक जगह। इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है, और फ्लेम को बंद करके इसको मैं नीचे उतार दे रही हूँ, और इसको दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ, कढ़ाई पे रहेगा ना तो नीचे से जल जाएगा।
सभी को निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसको एयरटेल डब्बा में आप डाल के स्टोर कर सकते हैं। दीपावली आ रही है, अभी दीपावली में मिठाई केवल खाया नहीं जाता है, दीपावली में नमकीन भी खाने का मन करता है। दीपावली में नमकीन मिठाई दोनों ही चलता है, तो इसको मैं एयरटेल डब्बा में डाल दे रही हूँ। ठंडा होने के बाद ही डालिएगा, नहीं तो ये नमी हो जाएगी, मतलब सीलन सीलन टाइप की नमी नमी हो जाएगी। इसलिए मैं सभी को ठंडा होने के बाद डब्बे में डाल देती हूँ। लगभग एक डब्बा बन के तैयार हो गया है। आपको इतना बनाने में लगभग 50 से 60 रुपये का ही खर्चा आएगा, 50 रुपये लगभग का ही खर्चा आएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी साइड अगर नड्डा ना मिलता हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है, मेरे बेटा बहुत खाता है ना नड्डा, इसीलिए मैं साथ में डाल दी हूँ और तीखा भी कम ही डाली हूँ। इस तरह से सभी को डालने के बाद इसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।